नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई तृतीय के बारे में। इकाई जो तृतीय है वो है हिंदी भाषा शिक्षक के बारे में। हिंदी भाषा शिक्षक हमारे जो इकाई तृतीय है, और हमारा जो प्रकरण भी है वो हिंदी भाषा शिक्षक के को लेकर है। तो साथियों, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी भाषा शिक्षक कैसा होना चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षक में ऐसे कौन कौन से जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, जो हिंदी शिक्षक के अंतर्गत हमें उसके अंदर होनी चाहिए। हिंदी शिक्षक अपने विषय का ज्ञाता तो होना ही चाहिए, साथ में हिंदी शिक्षक को मतलब अन्य विषयों का ज्ञाता भी होना चाहिए, क्योंकि हिंदी को पढ़ाते समय बहुत सारे ऐसे विषय का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए हम हिंदी शिक्षक हैं तो हमें किसी कवि के बारे में पढ़ाना है तो कवि है, उसकी काव्य कृति है तो, या उसका उन सभी के बारे में पढ़ाना है तो कवि का जीवन परिचय पढ़ाना है साथ में कवि के बारे में। तो आप ये मान लीजिए तो हमें उस हिंदी के शिक्षक को इतिहास का ज्ञान भी होना चाहिए। साथ में जैसे हम किसी उपन्यास का वर्णन कर रहे हैं या किसी राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई उपन्यास या कविता कहानी या संस्मरण पढ़ रहे हैं तो उस वक्त की जो तात्कालीन परिस्थितियां हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा साथियों कि हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं, प्रेमचंद को, तो प्रेमचंद के जो साहित्य हैं, उनकी जो प्रवृत्ति कहानीकार हैं या उनके पूर्ववर्ती जो कहानीकार भी हैं, उन सब में हम देखते हैं कि कहीं आंचलिक उपन्यास लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई, कहीं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कहानियाँ एवं उपन्यास लिखे गए, तो कहीं कहीं ऐतिहासिक पुष्ट से जुड़े हुए मतलब उपन्यास लिखे गए। जैसे आप मान लीजिए जयशंकर प्रसाद के बारे में, तो जयशंकर प्रसाद का जो काव्य है उसमें एक ऐतिहासिक साहित्यकार का एक रूप देखने को हमें मिलेगा। आप जो जैसे कंदर्प नाटक है या कार्तवीर्य का गीत है या फिर हम उनकी जो जयशंकर प्रसाद जी के जैसे हम बहुत सारे से नाटक हैं या कहानियां हैं, वो सारी ऐतिहासिक जो कालक्रम है उनको अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो हिंदी शिक्षक को इतिहास का ज्ञान भी होना आवश्यक है। और साथ में मान लीजिए कहीं राष्ट्र प्रेम की बात है तो कहीं ना कहीं उस वक्त में से ब्रिटिश सरकार के समय कैसे परिवर्तन रहे होंगे या उस समय की परिस्थितियाँ कैसी रही होंगी, उन सब के बारे में उसे हिंदी शिक्षक को ज्ञान होना आवश्यक है। तो साथियों, हम बढ़ते हैं भाषा शिक्षक के बारे में। भाषा शिक्षक का एक स्वरूप मतलब बहुत ही सहज, सुंदर और सरल होना चाहिए। स्वरूप सुंदर से मतलब उसका इतने दिखने में खूबसूरत ना हो तो चलेगा, लेकिन उसकी जो एक व्यक्तित्व है वो प्रभावी होना चाहिए। हिंदी शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावी होना अति आवश्यक है। और क्योंकि जो हिंदी शिक्षक बालकों को भाषा का ज्ञान दे रहा है तो भाषा ऐसी जो वस्तु है या ऐसी हमारे मुख से निकलने वाली या आश्रित हमारे वाणी में जो आश्रित जो प्रवाह है, उस प्रभाव एवं शब्दों का एक समूह है, वाणी ध्वनि का एक शब्द, ध्वनि का एक शब्द, ध्वनि की जो ध्वनि के माध्यम से शब्द बनता है और शब्दों के माध्यम से भाषा बनती है, वाक्य बनता है और शब्दों के माध्यम से वाक्य बनेगा और वाक्यों के माध्यम से भाषा बनेगी। और उन भाषा शिक्षक का ज्ञान है उसमें परिपूर्ण होना चाहिए, उसकी वाणी में इतनी प्रभावमयता होनी चाहिए कि बालक एवं सुनने वाले जो श्रोता है
वो प्रभावित हो सके। तो हिंदी शिक्षक को अपनी भाषा का एक इन कह सकते हैं कि हिंदी शिक्षक को अपनी भाषा पर अपनी एक अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। क्योंकि साथियों हम मानते हैं कि जिसे मान लीजिए कि हमारे संस्कृति में माना जाता है कि शिक्षक का जो स्थान होता है वो हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि होता है। क्योंकि शिक्षक ही समाज को बदल सकता है। क्योंकि छात्र छोटे से अपने बचपन जहाँ बाल्यकाल पूरा कर सीधा अपने शिक्षक की सानिध्य में आता है और शिक्षक का व्यक्तित्व इतना जब प्रभावी ना होगा या शिक्षक का व्यक्तित्व उस प्रभावशीलता में नहीं होगा तो आप मान सकते हैं कि वो बालक को कभी भी अच्छे गुणों से ओतप्रोत नहीं कर सकता, अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। जिस प्रकार से मान लीजिए कि एक अच्छी योजना, एक अच्छी शिक्षा कार्य प्रणाली, शिक्षा प्रणाली या अच्छी से अच्छी हमारी शिक्षा योजना भी उस वक्त असफल हो जाती है जब उसे क्रियान्वित करने वाला शिक्षक यदि सही नहीं हो तो। इसलिए हिंदी शिक्षक का एक व्यक्तित्व निखरा हुआ होना चाहिए। शिक्षक का जो हिंदी शिक्षक है वो उसके वार्तालाप का जो तरीका है, उसके ज्ञान का जो तरीका है, बालकों के प्रति जो अपने उनकी जो उनकी जानकारियाँ हैं उन्हें समय के अनुसार एवं स्थिति एवं काल को देखते हुए अपना समय समय पर उन्हें एक प्रेरित करता रहे। और हमेशा क्लास में जो बच्चे होते हैं हमेशा वो अपने शिक्षक को हमेशा उसका अनुसरण करते हैं शिक्षक का, इसलिए उसे अपना गुरु एवं अपना प्रथम एक प्रेरणा मानते हैं। क्योंकि उस वही प्रेरणा का में मुख्य स्रोत होता है बालकों के लिए। जब समाज में परिवर्तन की बात कहते हैं कि शिक्षा, हम कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति माना जाता है कि शिक्षा जीवन की नींव है, शिक्षा प्रणाली हमारे जीवन की नींव है। यदि उस नींव को यदि कमजोर रखा जाएगा उस नींव को, तो व्यक्ति कभी भी समाज में तरक्की नहीं कर सकता, हमारा राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो उस बालक का जो बालक है जो आगे चलकर उस राष्ट्र का एक सभ्य नागरिक बनाने वाला है तो वो शिक्षक है। शिक्षक के हाथों में वो बागडोर है, तो उस बालक को एक सभ्य नागरिक बना सकता है, साथ में उसे अपराधी भी बना सकता है। यदि शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावीपूर्ण है तो वो बालक आगे चलकर चंद्रमुखी जरूर बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य वाले एक साधारण से बालक को भारत का सम्राट बनाने वाला भी एक शिक्षक था। और आप मान लीजिए हमारे बड़े बड़े कलाकार हुए हैं या फिर हमारे बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही एक अव्वल दर्जे का जो आयाम प्राप्त किया है, प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो ऐसे महान साहित्यकारों को भी बनाने वाले शिक्षक थे। APJ अब्दुल कलाम जैसे हमारे राष्ट्रपति रहे तो उनके लिए भी उनकी शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। डॉक्टर राधाकृष्णन की बात कहते हैं कि मैं उपराष्ट्रपति बाद में हूँ लेकिन पहले शिक्षक हूँ, और उनका जन्म दिवस भी हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम ये जब भी मतलब APJ अब्दुल कलाम कहते थे तो बालकों से उनके भविष्य निर्माण की बात हमेशा कहते थे। स्वामी विवेकानंद है वो दुनिया को बताते हैं शिक्षक का महत्व दुनिया में क्या था, और सभी धर्मों में भारतीय संस्कृति का जो परचम उन्होंने पूरे विश्व भर में लहराया था तो वो उनकी शिक्षक उनकी गुरु रामकृष्ण परमहंस का ही एक आशीर्वाद था। तो हमें एक हिंदी भाषा का शिक्षक में कैसे गुण होने चाहिए, तो इन सभी बातों में हम ये समझने का प्रयास भी करते हैं कि साथ में हिंदी शिक्षक के लिए आप मान लीजिए किसी भी भाषा में हम जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति में सबसे ज़्यादा जो लक्ष्य रखा गया है वो मातृभाषा को लेकर रखा गया है। बुनियादी शिक्षा को भी वहाँ पर
एक दिया गया है और मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए वहाँ पर पुरजोर कोशिश की गई है और ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति है। और शिक्षा नीति में भाषा शिक्षक का महत्व एक ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कंधों पर एक उत्तरदायित्व का भार अधिक आ जाता है। तो साथियों, हिंदी भाषा शिक्षक के बारे में हम अगले जो वीडियो व्याख्यान होगा उसमें भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।